नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज पड़ताल जिस पहेली की होने वाली है, वो पहेली मौत को दावत देती है। जिसने भी उसको सुलझाने की कोशिश की, वो इस कदर उलझा कि सांसों की कमजोरी में दम तोड़ गया। लेकिन न्यूज नेशन की टीम ने सच की तलाश में अपने कदम बढ़ाए। हर मोड़ पर जिंदगी का खतरा उठाने के बाद जब सच से पर्दा हटा तो हर कोई आंखें फाड़ते देखता रह गया। आज की शोर भरी जिंदगी से निजात जंगल की शांति में ही मिलती है। लेकिन जब कोई शहर ही जंगली बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? बिना किसी भूमिका के सीधा सीधा आपको बताते हैं, रहस्य की टीम को एक दावा मिला। दावा ये कि हिंदुस्तान के एक इलाके में एक ऐसी जगह है जहां सांपों का राज है। सांप भी कोई ऐसे वैसे नहीं, बल्कि सैकड़ों साल पुराने और बीसियों फुट लंबे। अगर एक बार इन सांपों की कुंडली में धरती का सबसे बड़ा जानवर हाथी भी फंस जाए तो ये उसका भी दम तोड़कर उसे मुर्दा बनाने का मादा रखते हैं। ये अपना शिकार जहर से नहीं बल्कि मौत की पकड़ से करते हैं, क्योंकि ये हैं अजगर। पाइथन माल्यूरस यानी भारत की धरती पर पाया जाने वाले अजगर। इन सांपों में अपना कोई जहर नहीं होता, लेकिन इनके जबड़े और इनकी कुंडली की ताकत बड़े से बड़े हाथी को भी दबोच कर मारने का जज्बा रखते हैं। जंगल के काले अंधेरे में ये समतापी रेप्टाइल हमेशा जंगल की जमीन और उस जमीन पर गिरे सूखे पत्तों में खुद को ऐसे ढाल देते हैं कि शिकार को इनका आभास भी नहीं होता। और फिर जैसे ही शिकार इनके नजदीक आता है, वो मौत का सामान बन जाता है। पंजाब से लेकर पूरब में नागालैंड और दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3 मीटर लंबे इंडियन पाइथन पाए जाते हैं। लेकिन इन सांपों की बस्ती अक्सर घने जंगलों में ही मिलती है, इसलिए हमारे जहन में पहला सवाल तो यही था, क्या हमारी पड़ताल इस बार घने जंगलों और अंधेरे फॉरेस्ट में होने वाली है? जो सबूत उन गांव वालों ने हमें भेजे थे, उसकी एक झलकी आप भी अपनी आंखों से देख लीजिए। इन सबूतों को देखने पर दावों में हकीकत का वजन हमें भी नजर आ रहा था, जो सवालों के सैकड़ों दरवाजे खटखटा रहे थे। क्या हिंदुस्तान में कोई अजगर की बस्ती है? क्या इस बस्ती में अजगर के साथ इंसान भी दिखता है? क्या यहां अजगर की कोई नई प्रजाति मिलती है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर अजगर की वो बस्ती कहां है? और ये अजगर इंसानों के लिए कितने खतरनाक हैं? अजगर की बस्ती, ये सुनते ही जिस्म में सिहरन दौड़ने लगती है, दिल डर से कांप जाता है।
क्योंकि अजगर के शिकंजे में अगर कोई फंस गया तो उसका बचना नामुमकिन ही है। लेकिन उन दावों की पड़ताल भी जरूरी थी जिसमें ऐसे इलाके के होने का जिक्र है जहां अजगरों की बस्ती है, तो हमने रुख किया उस इलाके का। घने जंगलों के बीच अजगरों की बस्ती होने के जो सबूत हमारे सामने थे, उसी को आधार बनाकर हमने अपनी पड़ताल के लिए कदम बढ़ाने शुरू किए। जानकारी मिली कि ये इलाका पूरा का पूरा पठारी है और हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में बसा है। ये भी पता चला कि ये इलाका कान्हा नेशनल पार्क से सटा हुआ है। वही कान्हा नेशनल पार्क जो दुनिया में बाघ और दुर्लभ जीव जंतुओं के लिए मशहूर रहा है। भोपाल से न्यूज नेशन की टीम ने अपना सफर शुरू किया। जानकारी के मुताबिक यह इलाका मंडला जिले में है और भोपाल से यहाँ की दूरी 386 किलोमीटर है। मंडला जिले में ही कान्हा नेशनल पार्क मौजूद है जहाँ कुदरत का अद्भुत खजाना छिपा है। सड़क के चारों ओर जंगल ही जंगल दिखते हैं। इन्हीं रास्तों के बीच करीब 8 घंटे का सफर तय कर हम एक ऐसी जगह पहुंचे जिसे कहा जाता है ककैया। ककैया पहुंचने पर हमें आगे का रास्ता पैदल ही पार करना था क्योंकि आगे कच्ची सड़क थी जिस पर कार से चलना मुमकिन नहीं था, तो हमने कार को छोड़ दिया और पैदल ही इस रास्ते पर चल पड़े। पूरा इलाका सुनसान था, नजर आ रहा था तो चारों ओर सिर्फ घना जंगल और उसके बीच बना ये कच्चा रास्ता। करीब 2 किलोमीटर पैदल चलते हुए हमारी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर इस जगह को अजगर दादर लिखा गया। इस पृथ्वी पर जब जीवन चक्र शुरू हुआ तो शुरुआत में प्रकृति और जीव जंतुओं का राज हुआ करता था, लेकिन फिर इंसान ने दस्तक दी और आज पूरी पृथ्वी पर इंसान का वर्चस्व है। प्रकृति के जंगल कम और इंसान रूपी बनाए गए कंक्रीट के जंगल ज्यादा हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आज भी जीव जंतुओं का राज है। और ऐसी ही एक रहस्यात्मक जगह है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में, जिसे सिटी ऑफ पायथन कहा जाता है। इसका नाम है अजगर दादर। हम पायथन सिटी कहे जाने वाले इलाके में दाखिल हो चुके थे। सूरज सिर पर था, रोशनी भरपूर थी, इसलिए इलाका साफ साफ दिख रहा था। कोई कह रहा था कि वो बस्ती इन पथरीले पठारों के नीचे है, तो कभी पता चल रहा था कि अजगर की वो बस्ती इन पठारी कोटरों में मिलती है। क्या इस पठार के नीचे अजगरों की पूरी बस्ती है? जिस बस्ती के ऊपर ये पठार अजगरों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है, ये कोई नहीं जानता। पठार पर बने ये छोटे छोटे सुराख क्या इस पथरीली जमीन के नीचे नागलोक तक जाने का रास्ता है, ये भी कोई नहीं जानता। घंटों की तलाश और कई वर्ग किलोमीटर की पड़ताल के बाद भी हमें ना तो कोई अजगर दिखा और ना ही उसका कोई सबूत मिला। तो क्या ये दावा सुना सुनाया फसाना था? ये हम सोच ही रहे थे कि तभी वो हुआ जिसने हमारी रूह को भी कपा दिया और झाड़ियों के बीच तेज सरसराहट ने हमें हैरान कर दिया। देखिए, जो अजगर यहाँ पर बैठा है उसकी लंबाई तकरीबन 7 फीट से ऊपर है और यदि मैं गलत नहीं हूँ तो इसका वजन तकरीबन 25 किलो से ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस आकार में ये दिख रहा है वो बेहद सुंदर। और ये देखिए, अजगर ने अब हिलना शुरू किया और अब शायद उसे ये मालूम चल गया है कि लोग उसे देख रहे हैं। और ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि इसकी लंबाई तकरीबन 7 फीट है और ये देखिए, अजगर को जैसे ही लगा कि लोग उसे देखने के लिए आ रहे हैं, उसने अपना स्थान बदल लिया और वो वापस चट्टान के अंदर चला गया। इलाका पहाड़ी था
जो कान्हा नेशनल पार्क से सटा था, इसलिए किसी भी एक अजगर का मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगा, हमारी उंगलियों की गिनतियां कम पड़ने लगी। एक अजगर कोटर में घुसता दिखाई दिया तो दूसरा कोटर के बाहर कुंडली मारकर बैठा दिखाई दिया। तभी एक तीसरा अजगर अपने बिल के बाहर दिखा और हमें देखते ही चौथा अजगर अपनी कोटर की ओर सरक गया। हमारे जहन में अब ख्याल यही था कि आखिर ये चट्टान है या फिर अजगरों की बस्ती। फिर तो कदम कदम पर अजगर चहलकदमी करते दिख रहे थे। नजर जिधर जाती उधर अजगर ही दिखते। पेड़ के तनों में लिपटे अजगर तो शाखों पर शिकार की ताक में बैठा अजगर। घंटे भर में ही हमारे कैमरे में अजगरों की इतनी तस्वीरें कैद हो चुकी थी कि ना चाहते हुए भी हमें इस बात पर यकीन करना पड़ा कि आखिर क्यों इस इलाके को पाइथन सिटी या अजगर दादर कहा जाता है। इस पहाड़ी कवच के नीचे वास्तव में कोई नागलोक बसा है क्या? ये अभी भी एक फसाना हो सकता है, लेकिन इस इलाके में अजगरों की बस्ती है, इसकी सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। लगभग यहाँ पे तो 500-600 अजगर होंगे, लेकिन ये क्षेत्र क्या है, लगभग 7 एकड़ का जैसे, और भी आसपास जैसे गांवों के किनारे से यदि लिया जाए तो लगभग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के अंदर के एरिया में लगभग हजारों की संख्या में होंगे। वो गांव मिला, वो पठार दिख गया, अजगरों की तस्वीरें कैमरों में कैद हो गईं। इस इलाके में इतनी तादाद में अजगरों के मिलने की पहेली क्या थी, इसकी पड़ताल अभी बाकी थी। शास्त्रों में जिक्र मिलता है कि श्राप मिले तो सर्प योनि मिलती है, तो क्या मंडला के इस पठारी इलाके में भी किसी दैवी श्राप का प्रकोप है, या फिर अजगरों की बस्ती के पीछे छिपी है कोई वैज्ञानिक अवधारणा? जब हमने इस पहेली की पड़ताल की तो चौंकाने वाला रहस्य सामने आया। जंगलों के बीच इस अनजान और रहस्यमय इलाके में जिस रहस्य की तलाश में हमने करीब 400 किलोमीटर का सफर तय किया था, उसके सबूत जो हमारे कैमरे में कैद हो चुके थे, जो साफ साफ इशारा कर रहे थे, ये इलाका 7 एकड़ में फैला हुआ है जो ज्वालामुखी की लावा चट्टान से बना है। इस इलाके में करीब 2000 अजगर रहते हैं। सारे अजगर दुर्लभ हैं और इंडियन रॉक पाइथन प्रजाति के हैं। वन्य एजेंसी ने इस 7 एकड़ के इलाके में लगभग 30 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहां एक साथ भारी तादाद में अजगर पाए जाते हैं। इसके बाद हमने जब यहाँ पे देखा कि यहाँ अजगर निकलते हैं तो हमने यहाँ पे पॉइंट बना दिया, जैसे कि 20 उस तरफ है, सामने पे है 10, इस तरफ है सर, ऐसे 30 पॉइंट हैं। यानी कि टोटल 7 एकड़ के लिए 30 पॉइंट हैं। जी 30 पॉइंट हैं। मतलब जिस जगह पर हम खड़े हैं ये आखिरी पॉइंट है। जी आखिरी पॉइंट है सर। वैज्ञानिक कारणों की बात करें तो जंगल का यह इलाका अजगरों के इकोसिस्टम के लिए बेहद माकूल है। पठारी कोटरों में उन्हें छिपने और रहने के लिए जगह मिलती है। नेशनल पार्क से सटे होने की वजह से वो छिपकली, गिलहरी, चूहों और खरगोशों जैसे छोटे शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं। और 7 एकड़ के एरिए की जो ज़मीन है वो भुरभुरी ज़मीन है, यानी कि यहाँ पर बिल बनाना काफ़ी आसान होता है। अजगर की पसंदीदा जो खाना है, जो भोजन है, वो चूहा, गिलहरी और खरगोश है। इस लिहाज से अजगर के लिए ये जो पूरी जगह है सबसे पसंदीदा। प्रतिबंधित क्षेत्र होने की वजह से ये इलाका इंसानों के दखल से भी दूर है, इसीलिए इस इलाके में ये अजगर बेरोक टोक घूमते हैं और प्रजनन कर अपनी तादाद काफी बढ़ा चुके हैं। अजगरों का शोध बताता है
कि मादा अजगर एक बार में करीब 100 अंडे देती है। अंडों से लगभग 2 फीट के अजगर बाहर निकलते हैं जो तेजी से बढ़ते हैं। अजगर दादर की चट्टानों पर नवंबर महीने से लेकर जनवरी तक जब तेज ठंड पड़ती है तो बड़ी संख्या में अजगर चट्टानों के ऊपर धूप सेंकने के लिए आते हैं और बाकी महीने में इन्हीं जंगलों और चट्टानों की दरारों में रहते हैं। ये क्या है कि 6 माह तो इनके लिए अनुकूल परिस्थिति रहती है और 6 माह प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है। जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो ये कंदराओं में जो है अंदर जो है प्रवेश कर जाते हैं और वहीं अपना 6 माह सुप्तावस्था का समय बिताते हैं। लेकिन इस समय ठंड का जब मौसम आता है, जैसे ही नवंबर चालू होता है और फरवरी तक ठंड के मौसम में ये अपने शरीर में चूँकि ज़्यादा ठंडक हो जाती है तो उसको ऊष्मा प्राप्त करने के लिए सूर्य के प्रकाश में 11 बजे से 2 बजे दिन तक ये बाहर आ जाते हैं। बाघों के घर के पास पठार का ये इलाका क्या किसी नागलोक का ऊपरी कवच है? क्या इसके नीचे अजगरों का नागलोक है? क्या एक इलाके में इतने अजगरों का मिलना किसी श्राप का परिणाम है? इसका रहस्य कोई नहीं जानता, लेकिन सच ये है कि जब खुले आसमान में सूरज गर्मी बरसाता है तो इस पठारी चट्टान में कदम कदम पर चितकबरे अजगरों का झुंड कुंडली की शक्ल में नजर आता है।